आप देख रहे हैं ये मशीन में बांध दिया हूँ एक शाफ्ट, और ये थ्रेड मशीनिंग हुआ है और हम आज इसमें न्यू थ्रेड काटेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे थ्रेड काटेंगे और कैसे हम इसमें चूड़ी बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका चकनेट हम बनाया हूँ, एगो अगली वीडियो है उस वीडियो में आप देख सकते हैं, एगो चकनेट मैं बनाया हूँ और वही चकनेट हम आज एक शाफ्ट में लगाएंगे चढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसका हिसाब से हम थ्रेड काटेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थ्रेड 10 TPI का है, ये इंची हिसाब में थ्रेड है। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम अब थ्रेड बैठाएंगे, ये 10 TPI है और चकनेट में भी हम 10 TPI का काटा हूँ, और इसको हम टर्निंग कर लेते हैं, हल्का सा काट लगा लेते हैं, इसके बाद में हम थ्रेड काटेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया है और हम अभी थ्रेड काटेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह काटेंगे, उसके बाद हम अभी थ्रेड को चेक करेंगे थ्रेड गेज से, ये सही में 10 का चूड़ी जा रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारा वीडियो और भी थ्रेड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हम इस मशीन का चार्ट दिखाया हूँ, और उस चार्ट के माध्यम से हम कैसा गियर लगाएंगे और कैसा सेटिंग करेंगे और कितना का गियर लगेगा 10 mm 5 mm में थ्रेड काटने के लिए, या 1 इंच में थ्रेड काटने के लिए, इंची साइज हो या mm साइज हो, उसमें पूरा चार्ट दिखाया हूँ। और उस चार्ट को देख के हम कोई भी थ्रेड काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो अब तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, हम इसमें कटिंग ऑयल डाला हूं। ठीक है दोस्तों, ताकि ये मेरा टूल है वो जल ना जाए, इसके वजह से ये ठंडा रहेगा, इसीलिए हम इसमें कटिंग ऑयल का यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसमें पानी भी यूज कर सकते हैं, मोबिल भी यूज कर सकते हैं, इसमें मैं कटिंग ऑयल यूज किया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हम चकनेट चढ़ा के दिखाएंगे और आपको बारीक बारीक चीज से हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत लंबा है, ये काटने के लिए एक दो बंदे जरूरत है। अब देखिए, अब हो गया फाइनल, अब देख लीजिए थ्रेड इस हिसाब से थ्रेड कटा है, अब देख सकते हैं इसमें। और ये देखिए, मेरे पास एक चकनेट है, यही चकनेट मैं कल काटा था, और इस चकनेट को हम इसमें चढ़ाएंगे, आप देख लीजिए ये, और हम इसको अभी उसमें चढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम थ्रेड काटने के बाद पाइल तोड़ मारेंगे, पाइल करने से चार खत्म हो जाता है और ये फिनिशिंग हो जाता है बढ़िया। ठीक है दोस्तों, देखिए हम कैसा पाइल मार रहे हैं, इस हिसाब से आप पाइल मार दीजिए, उसके बाद में अब हो गया, अब चकनेट चढ़ा के दिखाएंगे, देखेंगे पहले ये चढ़ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये हो गया, इसमें हम 2.8 का डिफरेंस रखा था, जैसे ये 65 रखा था मैं, ओडी शाफ्ट का ओडी 65 था, तो ये हम चकनेट में 62 बोर करके थ्रेड काटा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 10 TPI का, तो आप इतना रख सकते हैं, इतना अगर रखेंगे तो इजीली जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2.5 mm से 3 mm के बीच में आप रख सकते हैं थ्रेड काटने के लिए। ठीक है दोस्तों,